मैक्समा ने एक नया आर्टिकल लॉन्च किया स्मार्टवॉच में 1.85 HD डिस्प्ले के साथ ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्टवॉच मैक्स प्रो स्काई। बेसिक फीचर इसके ब्लूटूथ कॉलिंग, AI वॉइस असिस्टेंट, स्क्रीन लॉक है इसमें, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर है, SPO2 मॉनिटरिंग, वेदर अपडेट, स्लीपिंग मॉनिटर, स्मार्ट नोटिफिकेशन, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, स्टेप काउंटिंग, कैलोरी, मल्टी स्पोर्ट्स, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ये सब फीचर्स के साथ आपको मैक्समा की ये स्मार्ट वॉच देखने को मिलती है। मैं अक्सर मैक्समा की स्मार्ट वॉच इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये मेड इन इंडिया है। बाकी जितने भी आप स्मार्ट वॉचेज देखते हैं उन पर मेड इन इंडिया आपको कहीं भी मैंशन नहीं होगा क्योंकि वो चाइना या मेड इन PRC द्वारा डिज़ाइन की जाती है, लेकिन ये पर्टिकुलर मेड इन इंडिया है। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करते हैं आपको सबसे पहले एक मैनुअल देखने को मिलता है जिसके ऊपर पूरी गाइडेंस दी गई है कैसे आपको इससे कनेक्ट करना है वॉच के प्रॉपरली, एंड इसके अलावा आपको वारंटी के बारे में भी यहाँ पर जानकारी देखने को मिल जाती है। आप इसकी वारंटी को ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं इस QR कोड स्कैन करने के बाद। तो अब हम जाते हैं वॉच की तरफ। पहले तो मैं आपको बता दूं जो इसका स्ट्रैप की क्वालिटी है, जो इससे पहले वॉचेज आती थी उनसे थोड़ी सी सुपीरियर देखने को मिल रही है। काफ़ी सॉफ्ट है और मतलब पहले तो इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता था कि वो थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ लगता था, लेकिन अभी थोड़ा मटेरियल हैवी किया गया, हार्ड है थोड़ा सा और अच्छा है। ब्लैक मेटल में आपको यहाँ पे मैक्स प्रो भी देखने को मिल जाता लिखा हुआ। बैक साइड पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मेड इन इंडिया का भी टैग देखने को मिल जाएगा। मैक्स प्रो स्मार्ट वॉच 1.85 HD डिस्प्ले विद ब्लूटूथ कॉल, हार्ट रेट सेंसर, एंड ये जो कोड होता है यूनिक कोड होता है। स्पीकर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, दो स्पीकर इसमें पॉइंट आउट किए गए हैं। ये साइड बटन को प्रेस करने के बाद 3 सेकंड प्रेस करने के बाद आपकी वॉच ऑन हो जाएगी। तो ये मैंने वॉच को ऑन कर दिया। ऑन होते ही आपको सबसे पहले एक बेहतरीन वॉलपेपर देखने को मिलता है। डाउन स्लाइड करते हैं तो सबसे पहले आपको देखने को मिलता है यहाँ पे ब्लूटूथ का, देन सेटिंग्स एंड ब्राइटनेस। तो लुक भी काफ़ी अच्छी बनाई गई, नहीं तो पहले पूरे का पूरा डाउन होता था। यहाँ से ब्लूटूथ जो है ये कॉलिंग फीचर के लिए, देन इसके बाद आता है सेटिंग्स। तो सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में आपको सबसे पहले आता है ब्राइटनेस का, ब्राइटनेस कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो कितनी देर का आप मेंशन करना चाहते हैं यहाँ पे, उतनी देर बाद आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर रन आउट हो जाएगा। स्क्रीन टाइम आउट का, यहाँ पे स्क्रीन टाइम आउट का आ रहा है 10 सेकंड्स। फ़ोन सेटिंग में आपको म्यूट, वाइब्रेशन, इनकमिंग कॉल, वाइब्रेशन दोनों देखने को मिल जाता है। रेस टू वेक है, इस फीचर को आप ऑन कर दोगे तो जो आप हेयर अपनी जो वॉच की मूवमेंट के साथ टाइम विजिबल कर सकते हैं। डोंट डिस्टर्ब फीचर है। इसके बाद साउंड एंड वाइब्रेशन है, यहाँ से आप वाइब्रेशन के लेवल को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये भी लुक को चेंज किया गया इसमें, काफ़ी अच्छा लुक किया गया इसमें। देन हम बैक करके देखते हैं अब। इसके बाद लैंग्वेजेस में ऐड ऑन की गई हैं, यहाँ से आप स्कैन करके वॉच की जो एप्लीकेशन है उसको फाइंड आउट करके कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है पासवर्ड का, तो यहाँ से आप पासवर्ड रख सकते हैं, चेंज पासवर्ड दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिल जाती है। अबाउट है, अबाउट में आपको वॉच की इंफॉर्मेशन मिलती है, मैक एड्रेस की जानकारी मिल जाती है। देन रीस्टार्ट है, देन इसके बाद आता है फैक्ट्री सेटिंग। फैक्ट्री सेटिंग को करने के बाद आपकी जो वॉच है रीसेट हो जाएगी। इसके बाद आता है टाइम सेटिंग। टाइम सेटिंग को आप यहाँ से मैनुअली कर सकते हैं, देख लेते हैं अभी। सपोज मैंने ये करना है, टाइम सेट करना है, तो मुझे 7:30 का रखा मैंने, बाहर आके देखते हैं टाइम हुआ कि नहीं 7:30 का, तो ये 7:30 हो गया यहाँ पे। तो यानी टाइम भी आप इसमें मैनुअली कर सकते हैं। ये फीचर उन लोगों के लिए अगर जिसने वॉच को कनेक्ट नहीं करना है तो वो यहाँ से टाइम अपनी सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आता है शट डाउन। देन हम बाहर के जो फीचर्स हैं इनको देख लेते हैं। ये ब्राइटनेस के लिए, यहाँ से आप ऑलवेज ऑन मोड को ऑन कर सकते हैं और इससे क्या है कि आपकी जो बैटरी है बैटरी रिड्यूस हो जाएगी। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा आ जाता है देयर इज नो QR कोड एडिट, प्लीज़ अपलोड, यूज ऐप एंड अपलोड QR कोड विच यू वांट टू शो हेयर। स्क्रीन लॉक हो गई है, अभी 3 सेकंड आपको प्रेस करना होगा, उसके बाद स्क्रीन अनलॉक होगी। तो ये भी अच्छा है इसमें ऐड ऑन किया गया। ये पहले आपको चाइनीज वॉचेज में देखने को मिलता था, लेकिन ब्रांडेड वॉचेज में बहुत कम ये फीचर आया है। अब स्लाइड करने पर मैसेज नोटिफिकेशन है, राइट स्लाइड करने पर आपको शॉर्टकट्स देखने को मिलते हैं, एंड इसके बाद आता है लेफ्ट स्लाइड। तो लेफ्ट स्लाइड में सबसे पहले आता है हार्ट रेट, वेदर, एक्टिविटीज़, स्लीपिंग रिपोर्ट, म्यूजिक कंट्रोलर। तो ये सब फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं।
इसके बाद यहाँ से प्रेस करके आप स्मार्ट लुक को ऑन करके जो भी आपकी एप्लीकेशन हैं उसको व्यू कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि सेटिंग्स में आपको किसी भी तरह का लुक चेंज करने का फीचर नहीं देखने को मिला, तो हम यहाँ से इसको दो बार प्रेस करेंगे तो ये देखिए लुक चेंज होगी। ये 9 ऐप 336 12 ऐप्स वाला आ गया। देन हम इसको दो बार फिर से प्रेस करेंगे तो ये लिस्ट में आ गया। लिस्ट में हम देख लेते हैं, सबसे पहले आता है हार्ट रेट, SPO2, देन आता है स्पोर्ट्स फीचर। स्पोर्ट्स फीचर में आपको साइकिलिंग, क्लाइंबिंग, पुशअप ये सब फीचर देखने को मिल जाते हैं, तो इसका बाद में देखेंगे। टेलीफोन में ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर है। एक्टिविटी है, एक्टिविटी मोड में आपको कैलरी बर्न, कितने कदम चले वो सब जानकारी मिलती है। स्लीपिंग रिपोर्ट है। वेदर है, वेदर आपका तभी शो आउट करेगा जब आप इसे कनेक्ट कर लेंगे। देन आता है न्यू फीचर है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। देन आता है स्टॉपवॉच में आप स्टॉपवॉच फीचर को यहाँ से रन आउट करेंगे, यहीं से स्टॉप करेंगे, यहाँ से रीसेट होगा। स्टॉपवॉच के बाद आता है म्यूज़िक के बाद आता है टाइमर आप यहाँ से प्ले आउट करके रन आउट कर सकते हैं जितनी देर का आपने करना हो। देन आता है प्रेशर, तो ये भी हम फीचर जब एप्लीकेशन कनेक्टिविटी होगी उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद आता है मैसेज, देन सेटिंग, देन आता है वॉइस असिस्टेंट। तो ये सब इसमें फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अभी हम बात करते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर के बारे में, तो कैसे वर्कआउट करना है या क्या है उसमें। तो यहाँ से मैं इसका ऑलवेज डिस्प्ले ऑन जो है 3 मिनट का किया हुआ है, मैं 5 मिनट का इसमें एक बार सेट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने 3 मिनट का टेस्ट करके देख लिया है, तो 5 मिनट का भी हम इसमें टेस्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको रन कर दिया। अब आएंगे बाहर से मैं इस फीचर को ऑन कर लेता हूँ, टर्निंग ऑन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मोड, आर यू श्योर, तो यस कर देते हैं। यहाँ से मैंने यस कर दिया। अब यहाँ से कर देते हैं स्क्रीन को लॉक, तो ये देखिए अब लॉक हो गया और ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर इसका रनिंग है। तो इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर ऐसे ही रन आउट होता है। अब टाइम कितना हुआ है, 12:50 हुए हैं मेरे मोबाइल पे, तो मैं 5 मिनट इसके लिए वेट करता हूँ। तो लगभग टाइम हो चुका है, अभी हम देख लेते हैं, कुछ सेकंड में पता चल जाएगा कि 5 सेकंड जो 5 मिनट हमने लगाए थे। तो ये देखिए 5 मिनट का जो हमने टाइमर उसमें लगाया था, 5 मिनट के लिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर वर्कआउट किया। जितनी देर का हम यहाँ से टाइमर लगाएंगे उतनी देर के लिए ही वर्कआउट होगा। तो ये हुआ इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर। तो ये बैटरी भी उसी के अकॉर्डिंगली ही कंज्यूम करेगा। इसके बाद हम देखते हैं इसमें जो रिस्ट मूवमेंट का फीचर वर्कआउट करता है या नहीं करता है। तो मैंने फीचर को कर लिया ऑफ, अब सेटिंग में जाऊंगा। सेटिंग में मैं स्क्रीन टाइम ऑफ 5 सेकंड कर देता हूं, एंड यहां से अब करते हैं वेट। तो ये देखिए 5 सेकंड में स्क्रीन टाइम ऑफ हो गई है। अब जो लिफ्ट टू रिस्ट व्यू है वो फीचर वर्कआउट करता है या नहीं, तो ये देखिए मैं जैसे ही इसकी मूवमेंट करता हूँ तो लिफ्ट टू रिस्ट फीचर जो है इसमें वर्कआउट करता है। 5 सेकंड के बाद फिर से डिस्प्ले ऑफ हो गई। तो इसमें ऑलवेज ऑन फीचर्स और लिफ्ट टू रिस्ट एंड प्रॉपर ये वर्कआउट करते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी आपने जानकारी ले ली है। बाकी जो एप्लीकेशंस के माध्यम से रन आउट होता है वो हम अपनी अगली वीडियो में आपको जरूर शेयर आउट करेंगे। एक अच्छा आर्टिकल लॉन्च किया गया है, लुक वाइज अच्छी है। तो ये देखिए वेयरिंग में भी एकदम खूबसूरत लुक दे रहा है, और सबसे अच्छी बात है कि इंडियन प्रोडक्ट्स है। थैंक यू।